नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर मुंडावर से है। करनी कोट चारागाह भूमि पे कब्जा करने की मची है होर। हरे पेड़ों को कर रहे हैं ध्वस्त। गौशाला जिला अध्यक्ष को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। देखिए क्या कह रहे हैं जिला अध्यक्ष राम निवास थानेदार। ये जो खबर है किसी समाचार प्रकाशन में जो चली है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं राजस्थान गौ सेवा समिति जिला का अध्यक्ष हूं अलवर का, और सारी गौशालाएं मेरे निर्देशन में, मेरे सुपरविजन में चलती हैं। इस गौशाला में जिसमें अपन खड़े हैं, बाबा केतानाथ गौशाला मुन्नोड़ा खर्द, इसकी 90% गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है। इसके लिए हम प्रशासन के साथ, गवर्नमेंट के साथ बहुत मजबूती से प्रयासरत हैं। ये जितने लोगों ने ये शिकायत की है, ये सारे भूमाफिया हैं। इनके खिलाफ हमने FIR करवा रखी है, और इनका कार्रवाई से डरने के लिए और उस बात से हटने के लिए इन्होंने 100-100 बीघा पर जो ना कब्जा कर रखा है। ये सब अतिक्रमणकारी हैं। ये सरपंच प्रतिनिधि है, ये इनका ग्रहों का हेड है, ये जो है ना इनको लेके फिरता है। हमें मारने की धमकी दे रखी है, मुझे खुद को मारने की धमकी दे रखी है। यहाँ का जो प्रबंधन है गौशाला का, वो इनके डर से, जिसका हमने कलेक्टर साहब को और सारे प्रशासन को बता दिया कि सारा प्रबंधन गो माफिया के डर से गौशाला से जा चुका है। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, मुझे ये गौशाला संभालनी पड़ रही है अकेले को। इसका सारा हमने जो है ना प्रशासन को बता दिया, कलेक्टर साहब को बता दिया, SP साहब को बता दिया कि रोज हमें थ्रेट कर रहे हैं, मीटिंग करते हैं, आज थानेदार को मारेंगे, रोज खबर भिजवाते हैं, आज थानेदार को मारेंगे, कल थानेदार को मारेंगे। ये कुछ नहीं है। गोचर भूमि पर जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने 100-100 बीघा रोक रखी है, भूमाफिया है, उनकी ये खबर है। बाकी गौशाला में आपको सारी बातें बता दी, सारा प्रबंधन दिखा दिया। ये जिले की सबसे उत्तम गौशाला है, इसका और भी मैं दिखाऊंगा। प्रशासन ने, गोपालन विभाग ने इसी साल का सबसे उत्तम गौशाला का सर्टिफिकेट इनाम वो हमें दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये सबसे उत्तम गौशाला जिले में चल रही है। मैं सारे जिले का अध्यक्ष हूं और सब गौशाला मेरे सुपरविजन चलती है। इस गौशाला में मेरा सिवाय सुपरविजन के कोई वो नहीं है। आप इधर एक बार देखेंगे, इधर कैमरा करेंगे, ये सारे के सारे लोग, अध्यक्ष अलग है, उपाध्यक्ष अलग है, कैशियर अलग है, सचिव अलग है, प्रबंध वो अपनाते हैं तरीके, और इसमें कोई जान नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कभी भी आप आके चेक कीजिए, कभी भी आप आके देखिए यहाँ के प्रबंध को। और हम सबको कहते हैं, प्रशासन को भी ये कहते हैं, हमने कलेक्टर साहब को कहा एक बार आके देखिए, SDM साहब को प्रार्थना की एक बार आके देखिए, बाकी प्रशासन भी पूरा इन भूमाफियों के साथ है, बिल्कुल कुछ भी करके राजी नहीं है। 5 साल से हम लगे हुए हैं। हमने CM अशोक गहलोत जी को ज्ञापन दिया, अभी 7 तारीख को पधारे थे इसमें हरसोरा में, उनको खुद को ज्ञापन दे के आए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन बिल्कुल इनके साथ है, भूमाफियाओं के मिली भगत है, और सारी गोचर पर अतिक्रमण हो रखा है, उसका सारा जो है ना उन्हें लिख कर दे दिया, सब कुछ कर दिया, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे। हमारी पूरी शिकायत प्रशासन से है, और भूमाफियाओं से तो हमारा झगड़ा है, उन्होंने तो हमें बिल्कुल मारने का थ्रेट कर रखा है कि आपको किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। जो लिख के दे दिया हमने, हमको यहां तक कह दिया कि जैसे पंजाब में मूसावाला का पता नहीं लगा, ये कह के गए हैं, मूसावाला का पता नहीं लगा कौन मारगा, ऐसे थानेदार तेरा भी पता नहीं लगेगा कौन मारगा। और ये सारी कार्रवाई सरपंच प्रतिनिधि कैलाश शर्मा की अगुवाई में हो रही है, सब कुछ। ये खबर भी उसी की उसमें छपी है, प्रतिनिधित्व में उसी की अगुवाई में खबर छपी है, आप देख सकते हो खबर में नीचे उन्होंने अपना वो दे रखा, जबकि इनकी मॉरल ड्यूटी बनती है सरपंच की कि वो अतिक्रमण हटवाए, अतिक्रमण को वो करे। इनकी जो है ना प्रशासनिक जिम्मेवारी है कि वो पंचायत में जितनी भी जो है ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको सेफ करे, जबकि ये खुद उस पर अतिक्रमण करवा रहे हैं अपने लोगों से। और हमारे जैसे जो 20 साल से अपना जीवन दे रखे